नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ माधुरी कलाल। खबरों के इस नायाब सिलसिले में सबसे बेहतरीन बुलेटिन वंदे मातरम लेके। सबसे पहले आज बात भगवान राम की अवतार भूमि अयोध्या की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा सरगर्मी में है, जहां रौनक अचानक बढ़ गई है, क्योंकि राम भक्त और साधु संत सभी चाहते हैं कि ये जो योग 5 अगस्त का हो रहा है, ये उसी संयोग की तरह जोड़कर देखा जाए जैसे भगवान ने वहां जन्म लिया था। आज इसकी तैयारियों के जायजे के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। बीते जाते हैं, सदियां निकल जाती हैं, लेकिन पौराणिक आख्यानों का सत्य इतिहास के साथ घुल मिलकर वर्तमान के परिदृश्य पर अपना सुनहरा अक्स बिखेरता रहता है। रामचरितमानस में जो चौपाई राम के अवतार से जुड़ी है, उसका अक्स आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियों में महसूस किया जा सकता है। आपो सरस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। इस चौपाई में परम पिता परमेश्वर हजारों साल तपस्या करने वाले मनु और सत्रुपा को वचन देते हैं कि वो खुद उनके बेटे के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। भगवान के इस वचन के बाद सारे देवता भगवान राम का लीला सहचर बनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। भगवान शिव हनुमान का रूप लेते हैं, इंद्र सुग्रीव बनते हैं, विश्वकर्मा नल नील का रूप लेते हैं। अब जबकि अयोध्या में भगवान राम मंदिर में प्रकट होने जा रहे हैं, तो सारे साधु संत और शासन प्रशासन इसमें अपना योगदान देने के लिए सक्रिय हो गए हैं। 5 अगस्त को पावन जन्मभूमि पर शिलान्यास होना है, लेकिन उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से अनुराग पुराना है, लेकिन अब तो इस अनुराग के साथ कर्तव्य बोध का संगम भी बन चुका है। योगी आदित्यनाथ आमतौर पर अयोध्या आने के बाद सबसे पहले हनुमान गढ़ी मंदिर जाते हैं। वहां दर्शन पूजन के बाद ही कहीं और जाते हैं। लेकिन इस बार वो सीधे जन्मभूमि परिसर पहुंचे और वहां रामलला का दर्शन किया और विधिवत पूजा अर्चना की। इसके साथ ही योगी ने भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को नए आसन पर विराजमान कराया। मंदिर परिसर में पहले से ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य मौजूद थे, जिनके साथ योगी ने बातचीत की, उनकी जरूरतों को जानने और समझने की कोशिश की। 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ हर मंदिर हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीप जलाए। कम से कम आप 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। अयोध्या का आयोजन ही, दीपावली का आयोजन ही जुड़ा हुआ है अयोध्या से। अयोध्या के बगैर दीपावली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जन्मभूमि में दर्शन पूजन के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी आराध्य की शरण में हनुमान गढ़ी मंदिर पहुंचे। 5 अगस्त को शिलान्यास का कार्यक्रम बिना विघ्न के पूरा हो सके, इसके लिए योगी हनुमान गढ़ी मंदिर की 85 सीढ़ियां चढ़कर गर्भगृह तक गए और अपनी आराध्य का दर्शन पूजन किया। हम साथ में थे उनके और साथ में उन्होंने हनुमान जी महाराज का दर्शन किया और उनकी आरती उतारी और कुछ भेंट स्वरूप दक्षिणा उस गोलक में डाला और श्री हनुमान जी से प्रार्थना किया कि जो श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य
5 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है उसको निर्विघ्न रूप से। योगी अपने अयोध्या दौरे के आखिरी पड़ाव में कार्यशाला और कार सेवकपुरम भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार सेवकपुरम पहुंच चुके हैं। पहले वो राम जन्मभूमि गए थे, उसके बाद वो हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए पहुंचे और इस वक्त आप देख सकते हैं वो पहुंच चुके हैं कार सेवकपुरम और जहां पर बैठक होगी उनके संतों के साथ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। वैसे तो 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का ये 20वां अयोध्या दौरा था, लेकिन ये सबसे खास था क्योंकि ये सालों पुराने उस संकल्प और उस सपने के पूरा होने के बाद पहला दौरा था। यही वजह है कि कार सेवकपुरम में योगी ने अयोध्या के साधु संतों के साथ बातचीत की और 5 अगस्त की तैयारियों पर उनकी राय जानी। महाराज जी ने ये संदेश दिया कि अयोध्या को भव्य रूप से सजाया जाए और 4-5 तारीख को हर मंदिर में दीपक जले। अयोध्या की पावन भूमि पर पावन शुभ घड़ी में अब सिर्फ 10 दिन बाकी है। हिंदुस्तान की पिछली 8 पीढ़ियों को जो सौभाग्य नहीं मिला था, इस पीढ़ी को वो मिलने जा रहा है। 5 अगस्त को राष्ट्र नायक ब्रह्मांड नायक वैश्वानर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जब भूमि पूजन होगा तो मानो ऐसा योग बनेगा जैसे आसमान से देवता फूल बरसा रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विश्व के पटल पर हमारा हिंदुस्तान हमेशा से जगमगाता रहा है और अब यह अयोध्या की नगरी, राष्ट्र नायक राम की धरती अयोध्या, कुछ इसी तरह से इसमें 4 चांद लगाएगी। अयोध्या को विश्व के खूबसूरत शहरों में शुमार करने की भी पूरी तैयारी है, क्योंकि बता दें कि जिस अयोध्या में जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 4 और 5 अगस्त को भव्य दिवाली मनाई जाएगी। और मनाई भी क्यों ना जाए, जब भगवान राम के मुहूर्त, भगवान राम के उस मंदिर के मुहूर्त का वो वक्त आ गया है जब भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा। और इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उस मास्टर प्लान की झलक जरा देख लीजिए कि क्या और कैसे योगी आदित्यनाथ अयोध्या को पूरी तरह से जगमगाने के लिए, उसे पूरी तरह से विकसित करने के लिए प्लान बना चुके हैं। और अगर इस प्लान को अगर आप देखें, इस जगमगाते प्लान को देखिए, तो समझ जाएंगे आप कि अयोध्या के लिए अलग से एयरपोर्ट बनेगा, अयोध्या के लिए आपके पास जो पर्यटन हब है आसपास वो मौके पर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड जो केबल होगी उसकी व्यवस्था होगी, क्योंकि अयोध्या अगर आप गए हैं तो बहुत पतली गलियां हैं। अगर आप कार सेवकपुरम से निकलते हैं, अगर आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत पतली पतली गलियां हैं। हेरिटेज पैदल पथ का प्रस्ताव, तीर्थ यात्रा के लिए जो जैसे किसी जगह को विकसित किया जाता है वैसे ही विकसित किया जाएगा। सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा जिससे वहां जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। अयोध्या से जुड़ी जो सड़कें हैं उन्हें 4-6 लेन कर दिया जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप वहां जाते हैं तो अभी बहुत पतली गलियां हैं और हर जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग होगा। इस पार्किंग के साथ लोगों के वहां रुकने, वहां की व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी दिखने लगेगी। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की वहां सुविधा होगी। वहां पर पूरी तरह से ऐसी चीजों को विकसित किया जाएगा जिससे डेवलपमेंट दिखे। सड़कों के दोनों ओर जो है वो लगातार उन व्यवस्थाओं को रखा जाएगा जिससे पब्लिक परेशान ना हो। पूरे शहर में पेयजल की व्यवस्था होगी। 150 मंदिरों का, न सिर्फ राम मंदिर के निर्माण की बात होगी, इस भव्य मंदिर के साथ साथ 150 मंदिरों का जीर्णोद्वार होगा। सरयू के कछार में सीता झील का निर्माण होगा। ये सचमुच अद्भुत है। सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही इसे ऐसे समझिए कि संघर्ष में कितना लंबा वक्त गया है। राम जन्मभूमि के मुहूर्त आते आते करीब 30 साल बीत गए, लेकिन इस दशक में आते आते न जाने कितने प्राणों की आहुति गई, न जाने कितने लंबे संघर्ष के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। साल था 1949, तारीख थी 29 दिसंबर, जब इस जगह को तात्कालिक सरकार और वहां के प्रशासन ने विवादित मानते हुए इस पर ताला लगवा दिया था। जरा उस संघर्ष की कहानी को भी जरा देख लीजिए। डर मुझे भी लगा फासला देखकर,
ऊपर में बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जिस अयोध्या की धरती पर आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण मुमकिन हुआ है उसके पीछे संघर्ष और शहादत का लंबा इतिहास है। आजादी से पहले का संघर्ष कुछ और था। आजादी के बाद संवैधानिक दायरे और कानून की बंदिशों के बीच इस संघर्ष की रूपरेखा कुछ और हो गई। तेईस दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को परिसर के गर्भगृह में जब रामलला के प्रकट होने की खबर जंगल में आग की तरफ फैली तो तत्कालीन केंद्र सरकार से लेकर सूबे की सरकार तक की सांसें अटक गईं। आनन फानन में 29 दिसंबर 1949 को परिसर को कुर्क कर प्रशासन ने उसमें ताला लगवा दिया। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण का सपना और ज्यादा मुश्किल हो गया, द्रोह हो गया। लेकिन उसके बाद भी राम भक्तों का भरोसा नहीं टिका। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण की कसक दिल से कम नहीं हुई, उम्मीद की लौ मध्यम नहीं हुई। साल 1984 इस संघर्ष की राह में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल देश भर के राम भक्तों ने विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में राम मंदिर निर्माण की अखंड शपथ के साथ एक समिति का गठन किया। बाद में इस समिति का नेतृत्व बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। खुद की जन्मभूमि पर भगवान राम के ताले में बंद होने की पीड़ा हर हिंदुस्तानी के मन को साल रही थी। राम भक्तों के लिए पीड़ा बेहिसाब थी, लिहाजा धीरे धीरे यह आंदोलन देश व्यापी हो गया। राम भक्त जुड़ते गए और कारवां बनता गया। देखिए प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए यूँ तो आंदोलन 1528 से शुरू हो गया था और 1528 से लेकर के स्वतंत्र भारत के इतिहास में बेसिकली 1949 में जाकर के एक मुकदमा दायर हुआ। लेकिन 1984 में विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ 1964 में, उसके 20 साल बाद ही पूज्य संतों की अगुवाई में सरयू तट पर एक बैठक हुई और बैठक के बाद में सरयू की जल को अंजलि में भर के एक संकल्प लिया गया कि अब हम सब मिल करके श्री राम जन्म की मुक्ति के लिए तब तक काम करेंगे जब तक ये वास्तव में मुक्त नहीं हो जाती। पूज्य संतों को जो मार्गदर्शन उस दिन मिला वास्तव में वो इस आंदोलन को इस आज की डेट में परिणति पर पहुंचाने के लिए मुझे लगता है अविस्मरणीय रहेगा और उन पूज्य संतों को और उन श्रद्धालुओं को सबको मैं नमन करता हूँ। राम मंदिर के निर्माण के लिए बनी समिति का आंदोलन जब राष्ट्र की आवाज बनने लगा तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन डोलने लगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार भारतीय संस्कृति में भगवान राम की महिमा बताकर उन्हें ताला खुलवाने की सलाह देने लगे। फिर अयोध्या के ही एक वकील उमेश चंद्र पांडे ने फैजाबाद जिला कोर्ट में ताला खोलने की अर्जी दे दी। उमेश चंद्र पांडे की अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैजाबाद के तब के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने 1 फरवरी 1986 को 29 दिसंबर 1949 को लगे ताले को खोलने का ऐतिहासिक आदेश दे दिया। राम भक्तों ने इसे अपने आराध्य की मुक्ति के तौर पर देखा। मुसलमानों ने इस आदेश को अपने खिलाफ मानते हुए बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन कर लिया। देखिए ऐसा था कि 1949 में जब रामलला प्रकट हुए और अखंड कीर्तन चला, उस कीर्तन के बाद में कुछ बावरवादी सोच के लोग वापस चले गए और तत्कालीन सरकार ने उस पर एक कठोर कार्रवाई करते हुए उसमें वापस ताला लगवा दिया। जब कोर्ट ने कहा कि हाँ अब इन श्रद्धालुओं के श्रद्धा का केंद्र जो है उसको हम बंद नहीं रख सकते ज्यादा तक, इनकी पूजा अर्चना सतत जारी रहनी चाहिए, तो वो ताला खुला। वो ताला खुलने वाला दिन भी वास्तव में एक बहुत शुभ दिन था। रामलला बंधन से मुक्त हो चुके थे लेकिन अभी भी भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना मीलों दूर नजर आ रहा था। 3 साल यूं ही कट गए। साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया और विवादित परिसर के नजदीक ही राम मंदिर की नींव रख दी।
साल 1989 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। राम भक्तों के खून से सरयू नदी लाल हो गई। साल 1990 में राम मंदिर निर्माण में एक दुखद अध्याय जुड़ा। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्त यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तमाम प्रशासनिक बंदिशों के बावजूद अयोध्या में प्रवेश कर गए और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया गया। नाराज मुलायम सिंह यादव ने 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सैकड़ों राम भक्तों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस नरसंहार के बाद मुलायम सिंह यादव को अप्रैल 1991 में इस्तीफा देना पड़ा। वो जो दिन था वो वास्तव में एक भीषण संघर्ष का दिन था। वास्तविकता ये थी कि कार सेवक बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी कार सेवा करना चाहते थे और इसके लिए बाकायदा सरकार को पता था, सरकार से हमने परमिशन भी ली, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि मुस्लिम तुष्टिकरण की अंधी दौड़ में वो राजनेता उस समय एक खेल खेल रहे थे और उन्होंने सोचा कि शायद राम भक्तों को मारने से हमारी राज्य सत्ता पर हम काबिज रहेंगे जिंदगी भर। वो उनकी जो उत्कंठा थी, वो जो उनका लोभ था या जो तृष्णा थी, उसके कारण उन्होंने नियत कार सेवकों को आश्रमों में से निकाल निकाल के खींच खींच करके मारा और कितने मेरे आज तक पता नहीं लगा। आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना साकार हो रहा है तो उन कार सेवकों की कुर्बानी अनायास ही याद आती है जिनके लहू से सरयू का पानी लाल हो गया। अब लग रहा है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रह्मांड नायक, विश्व नायक और राष्ट्र नायक भगवान राम के मंदिर के मुहूर्त पर एक तरफ विजय पताका फहर रही है तो दूसरी तरफ सरहद पर किसी भी महासंग्राम से बचने और महासंग्राम से जीतने के लिए अत्याधुनिक अस्त्र आने वाले हैं। दिखाऊं।